तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नया नया बीएससी में ऐड हुआ है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग बात करेंगे स्केलर के ऊपर, स्केलर वेक्टर, या इसको ट्रू स्केलर भी बोल सकते हैं, ट्रू वेक्टर, सूडो वेक्टर और साथ साथ सूडो स्केलर। तो ये टॉपिक्स हैं जो नया नया बीएससी के सेमेस्टर में ऐड हुआ है, तो इसे हम लोग समझते हैं। अब तक हम लोग ये जानते हैं जो शुरुआती नॉलेज है उसके हिसाब से कि स्केलर होती है कुछ क्वांटिटीज़, कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। लेकिन इसको अगर और डीप में हम समझें तो स्केलर में भी दो तरह के हैं, एक तो ट्रू स्केलर और दूसरा सूडो स्केलर। उसी तरह से वेक्टर में भी दो पार्ट हैं, एक ट्रू वेक्टर और दूसरा सूडो वेक्टर। तो क्रम से हम लोग आज सारी चीज़ों को सीखेंगे। ट्रू स्केलर ऐसे स्केलर्स होते हैं, तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पेरिटी के बारे में जान लें। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं? तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपना साइंस फ्लिप करते हैं। साइंस फ्लिप करने का मतलब वो अपना साइन चेंज कर लेते हैं। तो अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो ये अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन साइन को चेंज कर लेते हैं या साइन चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन के अनुसार कुछ इस तरह से है, ट्रू स्केलर अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपना साइन चेंज नहीं करता है। तो ये रहता है इनवेरिएंट, यानी कोई भी स्केलर अगर अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहता है तो उसको बोलेंगे ट्रू स्केलर। अगर कोई वेक्टर ट्रू वेक्टर तब कहलाता है जब ये चाहे साइन चेंज करें। तो अगर कोई वेक्टर है अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन साइन अगर चेंज करता है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है वेक्टर ए और हमने पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया और ये साइन चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये ट्रू वेक्टर है। सूडो वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो साइन चेंज नहीं करते बल्कि इनवेरिएंट होते हैं। उसी तरीके से सूडो स्केलर ऐसे स्केलर्स हैं जो अपना साइन चेंज करते हैं, साइन चेंजेस। तो अंडर पेरिटी ट्रू वेक्टर का साइन चेंज होता है, सूडो स्केलर का साइन चेंज होता है, और जो सूडो वेक्टर्स होते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं। तो स्केलर में दो हो सकते हैं ट्रू और सूडो, उसी तरह से वेक्टर में ट्रू और सूडो। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हम ट्रू वेक्टर या ट्रू स्केलर को डिफाइन कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमें दिखाना है ए क्रॉस बी, अगर हमें चेक करना है कि ये किस तरह का वेक्टर है या स्केलर है, तो सबसे पहले तो वेक्टर ए ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ए चेंज हो जाएगा माइनस ए में और बी चेंज होगा माइनस बी में। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी, यानी साइन में कोई चेंज नहीं आया, दोनों वेक्टर हैं और साइन में कोई चेंज नहीं आया, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, इनवेरिएंट यानी सूडो वेक्टर। तो चूँकि साइन में कोई चेंज नहीं है तो ये सूडो वेक्टर कहलाएगा, यानी जो ए क्रॉस बी है हमारा ये क्या है, सूडो वेक्टर है। उसी तरीके से अगर हम इनका डॉट करें, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, दो बी अंडर पेरिटी
अगर हम डॉट करेंगे तो a डॉट b, ये भी अपना साइन चेंज करेगा, a माइनस a और b अंडर पेरिटी होगा माइनस b। मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करेंगे तो अंडर पेरिटी वेक्टर्स अपना साइन चेंज करते हैं। तो अगर a कोई वेक्टर है, अंडर पेरिटी अपना साइन चेंज करेगा, b कोई वेक्टर है, अंडर पेरिटी अपना साइन चेंज करेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a डॉट b। अब देखिए a डॉट b क्या है, स्केलर, और लास्ट में साइन चेंज नहीं हुआ, यानी ये क्या है, ट्रू स्केलर। साइन चेंज नहीं हुआ यानी ये है ट्रू स्केलर, ट्रू स्केलर। उसी तरह से अगर हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स को देखें, मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। सबसे पहले हम इनका डॉट देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये कौन सा वेक्टर होगा, या तो सबसे पहले तो ये स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे हम लोग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, ए क्या होगा माइनस ए डॉट, बी क्या होगा माइनस बी, सी क्या होगा माइनस सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी हमने स्केलर को लेकर स्टार्ट किया था और साइन चेंज हुआ, यानी हमें फाइनली क्या मिला, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये अंडर पेरिटी हो गया माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज मीन्स सूडो स्केलर। तो ये राशि क्या हो गई, ये हो गई सूडो स्केलर, सूडो स्केलर, सूडो सूडो स्केलर। तो एक चीज़ यहाँ पे, और उसी तरह से हम क्रॉस को भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने क्रॉस को देखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए साइन चेंज करेगा माइनस ए, यहाँ पे होगा क्रॉस, फिर बी माइनस बी होगा, सी हो जाएगा माइनस सी, और तो हमें यहाँ पे क्रॉस के केस में क्या मिलेगा, फिर से माइनस, और यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या दे रहा है, साइन चेंज। तो वेक्टर क्वांटिटी अंडर पेरिटी साइन चेंज अगर करता है तो ये क्या है, ट्रू वेक्टर। सो दिस इज अ ट्रू वेक्टर, ट्रू वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, ट्रू वेक्टर। अभी इसके पहले हम लोग किए थे ए डॉट, वो क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये था सूडो स्केलर, और ये क्या है, ट्रू वेक्टर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, वो भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अंडर पेरिटी क्या होगा, अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये देगा, ए हो जाएगा हमारा माइनस ए, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, माइनस बी, ये मिलेगा ए डॉट बी, यानी स्केलर। पहले भी ये स्केलर था, अंडर पेरिटी साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, ट्रू स्केलर है, ट्रू स्केलर। उसी तरीके से अगर हम क्रॉस करें, इनका क्रॉस हमने अभी डिस्कस किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स,
टू वेक्टर्स। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, सिर्फ हम इसको समराइज कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स हैं, इनका हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, साइन चेंज होगा, माइनस ए क्रॉस माइनस बी एंड दिस विल गिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है, यानी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। साइन नहीं, यहाँ भी एक माइनस आएगा, ए माइनस ए हो जाएगा और बी माइनस बी होगा। तो हमें जो मिलेगा फाइनली, वहाँ पे कोई साइन में चेंज नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी अंडर पैरिटी वेक्टर ही है, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं है। तो ये इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट होने का मतलब इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी ये क्या है, सूडो वेक्टर। सो दिस इज अ सूडो वेक्टर। उसी तरीके से हम लोग कुछ और देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सूडो वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि एक सूडो वेक्टर है ए पी, पी पी फॉर सूडो, सूडो के लिए पी नोटेशन। तो ए पी क्रॉस डॉट, यहाँ पे हम लोग डॉट करेंगे, तो ए डॉट बी, ये स्केलर होगा। लेकिन अंडर पैरिटी सूडो साइन चेंज नहीं करता है। सूडो क्या है, वेक्टर है, सूडो वेक्टर, अंडर पैरिटी, ये सारी चीज़ें अंडर पैरिटी हैं। तो ये इनवेरिएंट रहता है, यानी ये सेम रहेगा और बीपी भी सेम रहेगा, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, क्या मिलेगा हमें, ट्रू स्केलर। इसी तरह से अगर इन दोनों का क्रॉस करें, इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर शामिल करो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सूडो वेक्टर, तो हमें क्या मिलता है, चाहे तो हम यहीं पर समझ सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ देख लेते हैं, ए पी क्रॉस बी पी। तो अंडर पैरिटी ए पी साइन चेंज करेगा, ए पी सूडो वेक्टर साइन चेंज नहीं करता, तो ए पी सेम रहेगा। उसी तरह से बी पी भी सेम ही होगा। तो चूंकि क्रॉस और ये क्रॉस दोनों ही सेम है, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर सेम है, तो इनवेरिएंट, यानी ये क्या होगा, सूडो वेक्टर और क्रॉस सूडो, ठीक है, नो चेंज। तो ये हो गया सूडो, ये भी आएगा सूडो वेक्टर। इस तरह से अलग अलग एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन का हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज़ कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो उसमें हमें स्केलर ही मिलेगा, या तो ट्रू स्केलर हो या सूडो स्केलर हो। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो हमें ट्रू स्केलर मिलता है, स्केलर ही है, ट्रू है टू वेक्टर्स का। और अगर दो सूडो वेक्टर्स का अगर हम डॉट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फिर से ट्रू स्केलर। दो सूडो का भी अगर हम लोग डॉट करते हैं तो ट्रू स्केलर ही मिल रहा है। यहाँ भी टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर, ट्रू स्केलर, और टू सूडो वेक्टर्स का डॉट भी ट्रू स्केलर ही है। अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सूडो वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सूडो वेक्टर इज आल्सो सूडो वेक्टर। देख रहे हो, तो सेम अगर है, अगर दो वेक्टर हम ले रहे हैं, यानी सेम विदाउट सूडो, दो वेक्टर को अगर हम लेते हैं तो सूडो वेक्टर ही मिलता है, यानी एंगुलर मोमेंटम वगैरह, अगर एग्जांपल की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सभी। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, सूडो वेक्टर मिलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज सूडो वेक्टर। तो टाउ इज आर क्रॉस एफ,
वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये क्या है, दो वेक्टरों का क्रॉस है, क्या मिलेगा, सोडो वेक्टर। और सोडो वेक्टर को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, सोडो वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, सोडो वेक्टर को बोलते हैं, जैसे इसको सोडो वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। और जो ट्रू वेक्टर्स होते हैं, ट्रू वेक्टर्स को बोलते हैं पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स में सारे आएंगे डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम वगैरह, फोर्स, ये सारे ट्रू वेक्टर। सूडो वेक्टर में जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले वेक्टर्स हैं वो सभी के सभी एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, एंगुलर मोमेंटम टाइप, टॉर्क वगैरह, ये सारा कुछ इसमें है। तो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा रिवर्स है, टू वेक्टर का डॉट ट्रू होता है, दो वेक्टरों का डॉट ट्रू है, लेकिन दो वेक्टरों का क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस सूडो होता है, दो वेक्टर का डॉट ट्रू वेक्टर, ट्रू स्केलर, ट्रू स्केलर है, हम ट्रू पे फोकस कर रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट ट्रू, दो वेक्टर का क्रॉस सूडो, दो वेक्टर का क्रॉस सूडो। और उल्टा अगर सोचें तो डॉट वेक्टर ऑफ टू सूडो इज आल्सो ट्रू स्केलर, ट्रू और इधर सूडो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो समझने लायक है। तो ये रहा आज के लेक्चर, अब बाकी कल देखेंगे, बाकी फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।